डियर डायरी, आदाब। आज की डायरी मैं उर्दू में रिकॉर्ड करूंगा। एक अखबार मेरे हाथ में है, रोजनामा नदीम, आज की तारीख का 3/11/2011। और आप देख सकते हैं कि खबर ऊपर शाया हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत की पादाश में फ्रांसीसी मैगजीन के दफ्तर पर हमला। फ्रांस के मकबूल मैगजीन ने अब कहा, इसका मकसद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना नहीं था। पेरिस, 2 नवंबर, UNI एजेंसियां। फ्रांस की मकबूल मैगजीन शकली एब्दो में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुबैना काबिल एतराज मवाद शाया किए जाने के एक रोज बाद आज उस रिसाले के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। एक बरतानवी टेलीविजन नेटवर्क ने फ्रांसीसी पुलिस हुक्काम के हवाले से ये इत्तला दी। इत्तला के मुताबिक फ्रांसीसी मैगजीन के एडिटर स्टीफन शार्ल बोनीज या बोनीर ने कहा, हम अपना काम जारी रखने की हालत में नहीं हैं क्योंकि इस हमले में हमारी सारी मशीनें तबाह हो गईं। ताहम इस हमले के बारे में दीगर तफसीलात दस्तयाब नहीं हो सकी हैं। मैगजीन का कहना है कि इसका मकसद पैगंबर इस्लाम की तौहीन करना कतई नहीं था, बल्कि उसने ट्यूनिस में इस्लामी पार्टी के कामयाब होने की खुशी में ये मवाद शाया किया था। इस दौरान मैगजीन की वेबसाइट को हैक करके उस पर भी तुर्की और अंग्रेजी में मैगजीन को धमकियां दी गई हैं। शगली हेब्दो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किस तरह उसको प्रोनाउंस किया जाता है, मगर बहरहाल वो एक सटायरिकल मैगजीन है और हर किस्म की चीज़ों के ऊपर सटायर करता है। एक बार फिर ये हेडलाइन हम देखते हैं, पैगंबर इस्लाम की अहानत की पादाश में फ्रांसीसी मैगजीन के दफ्तर पर हमला। यानी न सिर्फ ये कि जो हमलावर था उसने हमला किया, वो एक अच्छा आदमी हो गया, यानी एक सजा दी कि पादाश में हमला। न सिर्फ ये कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले ये फरमा रहे हैं, मेन स्ट्रीम उर्दू मीडिया वाले ये फरमा रहे हैं कि ये बुरा काम नहीं था, ये अच्छा काम था। और अब बकौल इनके, किसी भी शख्स के दिमाग में कोई भी बात समा जाए तो न सिर्फ वो अक्यूजर हो जाता है, न सिर्फ वो वादी हो जाता है, वो वकील भी हो जाता है, वो अदालत भी हो जाता है, वो जज भी हो जाता है, वो जूरी भी हो जाता है और वो जल्लाद भी हो जाता है। सारा काम वही कर सकता है, जिसके भेजे में जो घुस गया कर लो। हाँ, क्यों कर लो? इसलिए कि इस्लाम के नाम पे किया गया है। वाह, वंडरफुल। अब मैं जरा अपनी नोटबुक उठा लूं, इसमें कुछ नोट्स मैंने लिख के रखे हैं। तो ये जो लोग अपने आप को इस्लाम का पैरो कहते हैं, इस किस्म के, इन लोगों को दूसरे लोग जो खुद को भी इस्लाम का पैरो कहते हैं रोकते क्यों नहीं? जवाब साफ है, क्योंकि आज की दुनिया में इस्लाम का पैरोकार कोई है ही नहीं। सब या तो खुद इस्लाम की दुकान चला रहे हैं या फिर अपनी रूह बेचकर जाली इस्लाम खरीद रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि शगली एब्दो जो है वो तो माजी में यीशु और पोप और पता नहीं किस किस के कार्टून छाप चुका है, मगर किसी ईसाई ने तो उसके दफ्तर पर आज तक पेट्रोल बम नहीं फेंका। तो ये मुसलमान कहलाने वालों ने ही या इस्लाम के नाम पर ही क्यों फेंका गया? और आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक है, क्योंकि अगर फॉल्स फ्लैग अटैक है तो फिर ये क्या है? ये क्यों सपोर्ट कर रहा है? तो शायद इसमें
कोई ऐसी चीज है जो हमको समझना जरूरी है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि किसी ने ईसाइत के नाम पर, ईसा मसीह के नाम पर, यीशु के नाम पर तो अटैक नहीं किया, फिर इस्लाम के नाम पर ये अटैक क्यों हुआ? शायद इसलिए कि ईसाई असल माना में अपने खुदा को मानते हैं और उन्हें यकीन है कि अव्वल तो उनका खुदा इतना छोटा और माजूर नहीं है कि उसे कुछ अदना इंसानों की दरकार हो अपना बदला लेने के लिए। यानी ये जिन्होंने इस्लाम के नाम पे अटैक किया था, इनको क्या, यानी ये समझते थे कि अल्लाह लाठी के सहारे चलता है, कि उसको इस बात की दरकार है कि वो जाके पेट्रोल बम फेंकें? अरे भाई, अल्लाह को मंजूर होगा, खुद आग लगा देगा? नहीं मंजूर होगा, आप कौन होते हैं उसके बिहाफ के ऊपर फैसला करने वाले? नहीं साहब। तो ये मुसलमानों का ही खुदा ऐसा है कि जिसको दरकार होती है इंसानों की, छोटे छोटे अदना से, मामूली से, बेकार से, चींटियों से भी छोटे हम इंसानों की दरकार होती है कि हम जाके बदला लें उसके बिहाफ पे। दूसरी बात, वो इतना, ईसाइयों का खुदा इतना छोटा भी नहीं है कि कोई इंसान उसकी बेइज्जती कर सके। भाई सीधी सी बात है, भाई मेरे भांजे भांजियां हैं, भतीजे भतीजियां हैं, उनमें से कई जो हैं मुझसे खफा हो जाते हैं गुस्से में, सीरियसली, छोटे छोटे 2-3 साल वाले, पता चला कभी किसी ने मेरी उंगली पे काट लिया, कभी किसी ने मुझे नोच लिया, सीरियसली गुस्से में है। लेकिन उस पे मैं उनको उठा के उनका सर दीवार पे तो नहीं दे मारता। क्यों नहीं? इसलिए कि ये मेरे शाया निशान नहीं है, वो तो भाई भोले भाले छोटे छाटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे कहीं ज्यादा उनकी पावर कम है, मैं उनकी बराबरी करके उनसे क्या झगड़ा करूंगा? तो अगर ये मैं सोच सकता हूं तो फिर तो आप सोचें कि ईसाइयों के खुदा और ईसाइयों के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो वो ईसाइयों का खुदा जो है इतना बड़ा है यकीनन कि इंसान जैसी छोटी चीज को से उसको बदला लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि एक ना ये कि वो इतना माजूर है कि इंसान उसके बिहाफ पे बदला लें, और ना ये कि एक्चुअली उसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, तो इंसानों के बदला लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये दोनों चीजें जो है ना, ये कुछ इस्लाम का नाम लेने वालों को समझ में नहीं आती। ये एक, यानी क्या कहना चाहिए, बहुत अदना सी मंतिक है कि इस्लाम का खुदा इतना छोटा कैसे हो गया, इतना छोटा कैसे हो गया कि उसे इंसानों से बदला लेने की जरूरत पड़ने लगी, और उसके बावजूद और इतना छोटा हो गया कि खुद बदला नहीं ले सकता, एक कोई फटीचर से इंसान की उसे जरूरत है कि वो जाके पेट्रोल पंप फेंके। वाह, ये क्या इस्लाम है? तो भाई मेरे ख्याल से तो ये इस्लाम नहीं है। मेरे ख्याल से इस्लाम का खुदा तो बहुत बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कई मुसलमान, ज्यादातर लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्हें अपने आप पर इतना घमंड हो गया है आज कि उनकी नजर में न सिर्फ उनके खुदा और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत इतनी कम है कि उनकी बेइज्जती करना इंसान की दस्तरस में है, बल्कि उनका खुदा इतना माजूर और मजबूर है कि वो अपना बदला खुद लेने की कुव्वत नहीं रखता। क्या इसी गुरूर का नाम इस्लाम है? सोचिए, क्या इसी गुरूर का नाम इस्लाम है? ये सिर्फ प्लेन अनएडल्टरेटेड गुरूर, घमंड, झूठी आना, प्राइड, और कुछ नहीं है ये। तो इस्लाम क्या है भाई? ये वो नाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए गए दीन को खुद कुरान ने दिया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इताअत करना, सर झुकाना, गर्दन झुकाना,
सलामती से रहना, और बहुत इम्पोर्टेंट, अल्लाह की जमीन में इतरा कर नहीं चलना। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए। इतनी जगह आपको उसमें लिखा मिलेगा कि अल्लाह की जमीन में इतरा कर मत चल। तो सरकार, इस्लाम का मतलब है खुदा की जमीन पर इतरा कर न चलना, सलामती से रहना, सबमिशन, सरेंडर। और ये वही चीज है, ये वही चीज है जो हर मुसलमान सूफी, हर हिंदू साधु, हर जैन मुनि, हर बौद्ध भिक्षु, हर ईसाई राहिब और हर खुदा को मानने या ना मानने वाले दरवेश के लिए फकीर बनने की पहली अव्वलीन शर्त होती है, अपनी अना को अपने काबू में रखना, अपने घमंड को खत्म कर देना। इसके बिना कोई इंसान कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितने भी हज कर ले, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, अपने आप को इस्लाम का पैरो नहीं कह सकता। आप सब कीजिए, नबी की सीरत पढ़िए, समझिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। सुन्नतें फॉलो कीजिए, करना चाहिए। कुरान मजीद बहुत अहम है, तिलावत करिए, लेकिन तर्जुमा भी पढ़िए। लेकिन उस सबसे पहले जो नाम है इस्लाम, वो तो समझिए। इस्लाम लफ्ज का मतलब समझिए। मेरा मानना है कि वो लफ्ज इतना बड़ा है कि उस लफ्ज को समझने में ही कई उम्रें गुजर जाएंगी, कई उम्रें गुजर जाएंगी। मैं 48 साल में आज भी जब उस नाम की परतें खोलता हूं, जब इस्लाम के मतलब की परतें खोलता हूं, तो हक्का बक्का रह जाता हूं। आज भी मैंने परतें पूरी नहीं खोली हैं। और यकीनन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे आगे हूं, बहुत कुछ समझता हूं, बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं हूं। तो मेरी इल्तिजा है कि पहले इस्लाम का मतलब समझिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, इस्लाम का मतलब सरेंडर, इस्लाम का मतलब सलामती। तो आप मुझे ये बताएं कि इस तरह का घमंडी इंसान जो ये समझता है कि उसके खुदा की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो अपना बदला खुद ले सके, ये बात तो जाने ही दो कि उसे इंसान जैसी अदना चीज के साथ तलवारें क्रॉस करने की जरूरत क्या पड़ गई। लेकिन इतना घटिया जिसका खुदा हो कि वो अपना बदला भी खुद नहीं ले सकता हो, वो भी अदना से दूसरे इंसानों के साथ, ऐसा घमंडी इंसान क्या मुसलमान हो सकता है? सोचिए, क्या वो मुसलमान हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। अगली बात, जिसको मुसलमान खुदा मानते हैं, अल्लाह जिसका नाम, जिस अल्लाह के नाम से जिसको याद करते हैं, अल्लाह जल्ले जलालहू के नाम से जिसको याद करते हैं, अगर वो रब, अगर इस्लाम का वो खुदा, क्या वो रब्बुल मुस्लिमीन है या रब्बुल आलमीन है? क्या है, रब्बुल मुस्लिमीन है या रब्बुल आलमीन है? कुरान मजीद पढ़िए, कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों का रब, मुसलमानों का खुदा। अल्लाह मुसलमानों का खुदा नहीं है, रब्बुल आलमीन है, जहानों का, दुनियाओं का, गैलेक्सीज का, यूनिवर्स का, यूनिवर्सेस का। अगर अल्लाह को मानते हैं आप, तो इतना तो समझिए उसको। तो अगर अल्लाह
रब्बुल मुस्लिमीन नहीं रब्बुल आलमीन है, तो फिर ये यकीनी है, यकीनी है कि सूफी, साधु, भिक्षु, मुनि, राहिब, दरवेश, फकीर ये इस्लाम के असल पैरों हैं। बम फोड़ने वाले, किताबें जलाने वाले घमंडी लोग कहीं से इस्लाम के पैरों नहीं हैं। खुदारा जरा अकल लगाइए और इस किस्म की चीजें न छापिए। पैगंबर इस्लाम की अहानत की पादाश में फ्रांसीसी मैगजीन के दफ्तर पर हमला, वाह वाह क्या बात कही है। तो फिर से एक बार कहूंगा कि अगर अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं रब्बुल आलमीन है, तो फिर ये यकीनी है कि सूफी, साधु, भिक्षु, मुनि, राहिब, दरवेश और फकीर असल इस्लाम के पैरों हैं, वो घमंडी इंसान नहीं। तो अगर हम ये मतलब लेते हैं इस्लाम का, तो यूं और सिर्फ यूं ही इस्लाम सच्चा दीन है, सनातन धर्म है, द वे है। घमंडी का घमंड तो कतन नहीं है, कतन नहीं है। तो फिर इस्लाम की बेइज्जती करने वाले और अल्लाह की और उसके रिसाले और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती करने की सफ में, तो सबसे पहले वो नाम नहाद मुसलमान हैं जिन्हें इतना भी एहसास नहीं कि ना घोड़ा दूर ना मैदान। अरे अगर अल्लाह है तो वो अनकरीब गलतियों में गलता गलत रवा लोगों को खुद उनके अंजाम तक पहुंचा देगा। इतना यकीन तो करो, ईमान का डंका पीटते हो, इतना यकीन तो करो उसके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दीन बेचने और दीन खरीदने वाले अल्लाह के होने पर यकीन ही नहीं रखते। नमाज पढ़ने जाते होंगे पंच वक्ता, लेकिन सही मानों में शायद यकीन नहीं रखते, और उनको अल्लाह जल्ला शानहु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नहीं, बल्कि अपनी खुद की, अपने कबीले की शान में जो उनकी नजर में हो रही हैं गुस्ताखियां, उनका बदला लेना जरूरी हो जाता है। अरे याद करो, मुसलमान तो वो होता है कि जिसके मुंह पे अगर थूक दिया गया तो वो जंग के मौके से हट गया, हाथ आए दुश्मन को छोड़ के हट गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अब तो मैं अपनी अना के लिए इससे लड़ूंगा, अब तो मैं अपनी अना के लिए इसको कत्ल करूंगा। अगर मैं हक के पे खड़ा हूं, अगर मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं, तो मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। ये सोचना बेहद जरूरी है कि कहां आपकी अना आपके आड़े आ रही है। तो मेरी इल्तिजा है इस किस्म के लोगों से जो अदम सलामती वाले काम करते हैं, बम फेंकते हैं दफ्तरों के ऊपर, किताबें जलाते हैं, भाई अगर आपको ऐसा करना है तो अपने नाम में करो ना, अपनी अना के नाम पे करो है? ताकि दूसरे लोग तो बेवकूफ नहीं बने, फिर दूसरे लोग आपको पकड़ के अंदर करवाएं। इस किस्म की हेडलाइंस मुझे ना पढ़ने को मिले। इस्लाम के नाम पे मत करो, अपने खुद के ज़ौम के नाम से करो, क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ
मगरूर और बेवकूफ़ इंसान और इंसानियत के नाम पे एक धब्बा हो। और दूसरे लोग जो लोग इस किस्म की गारतगरी पर चुप रहते हैं या कम से कम उतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलते कि उनकी आवाज सुनी जा सके, अपनी आवाज ढूंढिए, अपनी आवाज उठाइए, खामोश न रहिए। खामोश रहेंगे तो ये पढ़ने को मिलेगा। तो अपनी आवाज ढूंढिए, अपनी आवाज उठाइए, अगर आप मुसलमान हैं तो। और अगर आप अना के गुलाम हैं तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, कुछ कह ही नहीं सकता मैं आपसे। सिर्फ इतना कहूंगा, मुसलमानों मुसलमान बनो। गुड बाय डियर डायरी।